कार्यक्रम देश संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम आज आप जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगठन का। जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग। देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग, और किनका नाम अपने भगवान बुद्ध की जगह है उनका नाम है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनते ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सिकोड़ लिए भौं और नाक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जदयू के बड़े नेताओं की दूरी रही, लेकिन बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने योगाभ्यास किया। प्राणायाम और योग करने के बाद उन्होंने कहा कि यह भगवान बुद्ध की धरती है, यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वे भी इस स्वच्छ वातावरण में योग करने पहुँचे। इस दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि आज के दिन आप किसका नाम ले लिए। मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री महाबोधि मंदिर में योग शिविर में पहुंचे थे। योग के बाद उन्होंने कहा कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक संचालन आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से किया गया। योग की भावना अपने देश में सदियों से चली आ रही, हमारे ऋषियों ने पूरे विश्व में इसे फैलाया, हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए, इससे हमारा मन और चित्त शांत होगा, हम सहज भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का संदेश दिया है, हमें उसे अपनाना है, इससे हमारा समाज और राष्ट्र स्वस्थ और विकसित होगा। इस दौरान जब यह पूछा गया कि आपके साथ संगठन के लोग नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए कितने लोग हैं, वैसे भी आज संगठन का काम तो है नहीं, हम योग दिवस मना रहे हैं, जब संगठन का मामला आएगा तो आएंगे और तब देख लीजिएगा कितने लोग साथ हैं। इसी क्रम में जब उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए आज हम लोग कहाँ हैं और आप किनका नाम ले रहे हैं, भगवान बुद्ध का जगह है, उनका नाम नहीं लीजिए, तो ये मामला है। तो क्या ये उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की अंतर्द्वंद जो अंदर का मामला चल रहा है, क्या वो सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है? क्योंकि लगातार उपेंद्र कुशवाहा भी आरसीपी सिंह पर कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं, इस्तीफा देने की बातें कर रहे हैं, और इधर आरसीपी सिंह भी उनके नाम से ही भिदक जा रहे हैं, तो ये क्या मामला है? हालांकि देखने की बात है, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। यहाँ पर साथी हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने आज यहाँ देखा कि महाबोधि के प्रांगण में आज हमारा जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया। जितने भी प्रतिभागी आए उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और यही मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो योग की भावना अपने देश में सदियों से चली आ रही है, हमारे ऋषियों ने इसको पूरे विश्व में फैलाया था, और आज देखिए हम विश्व गुरु इसमें कहलाते हैं, तो इसको अपने जीवन में हम लोग अपनाएं, जीवन का एक हिस्सा बना लें, ये वे ऑफ लाइफ हमारा हो जाए, जिससे कि हमारा मन शांत रहे, हमारा चित्त शांत रहे, और हम लोग सहज भाव से जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें। और आज हम लोग महाबोधि के प्रांगण में भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये जो गया है ये ज्ञान की धरती है, मोक्ष की भी धरती है। तो मैं सभी जितने हमारे यहाँ आए थे सहभागी, उनको बधाई भी देते हैं, सारे बिहार वासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी हम अपने देशवासियों को धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो ये योग का जो ये कार्यक्रम हुआ जो हुआ पूरे देश में, आज हमारा जो आप जान रहे हैं कि अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार का संदेश हम सब लोगों को दिया है उसको अपनाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने मन को स्थिर रखना है, और सब लोगों को मिलकर करके अपने प्रदेश को विकसित करना है, अपने राष्ट्र को विकसित करना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक जो पहचान बन रही है उसको मजबूत बनाना है। यही संदेश मैं आज सभी जितने हमारे यहाँ प्रतिभागी आए थे उनको मैं देना चाहूँगा। जब जब आपने गया में कदम रखा है, आपके संगठन के लोग बड़ी संख्या में आपके साथ चलते रहे, आज वो संगठन के लोग आपके साथ नहीं दिख रहे, ऐसा क्या हो गया? देखिए ऐसा है, मेरे साथ सभी लोग रहते हैं, आज भी देखिए कितने लोग आए। देखिए आज ये कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम ये संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम आज आप जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगठन का। जब कार्यक्रम होगा, जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे, देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग, और किनका नाम अपने, भगवान बुद्ध की जगह है उनका नाम।